नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार की नोटबंदी का एक साल पूरा हो चुका है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या नोटबंदी का फैसला सही था? देखिए, अभी भी इसका पूरा श्वेत श्याम कोई उत्तर नहीं है। इसमें कई सारे पहलू हैं। जैसा कि हमने नोटबंदी जब हुई थी 8 नवंबर 2016 की रात को 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण हुआ जिसमें उन्होंने टेलीविजन संदेश के माध्यम से नोटबंदी की घोषणा की थी, उसके बाद से ही लगातार वेब दुनिया पर हमने इसका खूब कवरेज दिया और हमने तमाम पहलुओं से इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। हमने उन लंबी लाइनों की पड़ताल भी की जो एटीएम और बैंकों के बाहर लगी थी इस नोटबंदी के फलस्वरूप, और तब भी हमें ये समझ में आया था कि ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी बल्कि उच्चाकांक्षी फैसला था जिसको लागू करने में थोड़ी जल्दबाजी की गई, जिसके क्रियान्वयन के तरीके पर तमाम सवाल उठे और वो सवाल एक साल बाद भी वैसे ही बदस्तूर कायम है। नोटबंदी का फैसला सही हो सकता है लेकिन उसका क्रियान्वयन गलत है, यही स्वर नोटबंदी के एक महीने के बाद की पड़ताल में सामने आया था और यही स्वर एक साल बाद भी सुनाई दे रहा है। ऐसे दावे किए गए थे कि काला धन खत्म हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ, जबकि हाल ही में पैराडाइज पेपर्स खुलासा भी हुआ है? और देखिए, पैराडाइज पेपर्स निश्चित ही उस काले धन की बात करता है जो अलग अलग तरीकों से विदेशों में निवेश जिसका हुआ है, और निश्चित ही जब हमने नोटबंदी की है तो उस काले धन को उस जद में नहीं लाया गया। ये नोटबंदी उस लिए की गई थी जो कैश बहुत सारा घर पे रखा गया, तब भी बात ये हुई थी कि जो काला धन होता है वो अपना रूप बदलता रहता है, वो मकान के रूप में, दूसरी अचल संपत्तियों के रूप में, किसी कंपनी के रूप में, शेयरों के रूप में, सारा काला धन बोरे में भरकर नगद के रूप में ही रखा हो ये बहुत कम तबके तक सीमित है। लोग आजकल अपने काले धन के निवेश को लेकर भी बहुत समझदार हो गए हैं और हमने देखा है कि किन तंग और संकरी गलियों से गुजरकर ये काला धन बड़ा और व्यापक रूप ले लेता है। लेकिन नोटबंदी ने उसके एक बहुत, देखिए जब नोटबंदी हुई थी तब बहुत सारी अलग अलग चीजें सामने आई। सबसे पहले कहा गया कि नोटबंदी का जो पहला लक्ष्य है वो काला धन है, भ्रष्टाचार पर अंकुश है, जिन्होंने तिजोरियों में और बोरों में पैसा भर के रखा उनके लिए। और दूसरी बड़ी बात ये की गई थी कि आतंकवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन इसी कैश के दम पर, जो कि कुछ हद तक सही भी था क्योंकि वो लोग बैंकों से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, उनको अपनी गतिविधियों को छुपाना होता है, तो ये बात की गई थी कि उनकी कमर टूटेगी और बहुत हद तक ये हुआ हो, ऐसा हो सकता है लेकिन उसके हमारे पास तथ्य और आंकड़े नहीं है। लेकिन हमने देखा कि बाद में बैंक लूटे गए, काले धन को सफेद करने की कोशिशें तेज हुई, कमीशन लेकर पैसे बदल दिए गए, ये बातें भी सामने आई है कि 15% और 20%, मतलब किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं तो उसके 80 लाख रह गए लेकिन उसको पैसे मिल गए। ये तमाम बातों के बहुत पुख्ता प्रमाण अभी भी नहीं है, जांच हो रही है, कई बैंकों तक की जांच हुई है, पूरी पूरी बैंक जांच के दायरे में आई है। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्था है, वो इस नोटबंदी को लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थी और इसमें जो छिद्र थे उन्हीं छिद्रों का उपयोग करके, व्यवस्था के छिद्रों का उपयोग करके ये काला धन पनपा फला फूला है और उस काले धन ने इस नोटबंदी के निर्णय में मौजूद जो जगहें थी, जो छिद्र थे, उनका इस्तेमाल करते हुए फिर से सफेद होने का, वापस उसी स्वरूप में बने रहने का या पकड़ में ना आने का नया नया इंतजाम किया, तरीके अपनाए और इस वजह से काला धन सारा का सारा जितना सामने आना था वो नहीं आया। बात हो रही है कि कुल जितना पैसा उस वक्त 15,00,600 करोड़ कुछ चलन में था और जितना जमा हुआ है उसमें केवल 16,000 या 17,000 करोड़ रुपए का ही अंतर रह गया है। और अगर इतने ही काले धन की बात हो रही थी तो इस पे जो खर्च हुआ है, इस पर जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है, वो उतनी सही नहीं थी। लेकिन एक दूसरा पहलू उसका ये भी है कि जो सारा पैसा जमा हो गया है ये भी सारा सफेद हो ये जरूरी नहीं है, काले पैसे को भी डर के मारे लोगों ने बैंक में, जनधन खातों में जमा किया और उन खातों की अभी जांच हो रही है। नोटबंदी को लेकर जो शुरुआत में भी हमने वेब दुनिया के मंच से एक महत्वपूर्ण बात कही थी वो ये थी कि ये इतना बड़ा, इतना दूरगामी फैसला है कि इसके अच्छे बुरे तमाम परिणामों को भी सामने आने में लंबा वक्त लगेगा। एक साल निश्चित ही एक बड़ा मील का पत्थर है लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 से 4 साल बाद हमें ठीक ठीक आकलन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब ये सारे बैंक खाते जिनकी जांच होनी थी, जो लोगों ने फर्जी दस्तावेज देकर नोट बदलवा लिए, जो लोगों ने बहुत सारा कैश अलग अलग नामों से जमा कर, मकान का किराया लोगों के पास आता था वो नकद में आता था, उसका हिसाब वो नहीं बताना चाहते थे क्योंकि टैक्स नहीं भरना चाहते थे, अब उसको अचानक उन्होंने बैंक में अपने बच्चों या दूसरों किसी किसी के खाते में जमा कर दिया जो कि उस तय सीमा में नहीं आता जो कि जांच के दायरे में, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो काला था या नहीं था, पर वो बैंक में आ गया है तो इसका मतलब वो व्यवस्था में आ गया है। अब सरकार क्या कदम उठाती है इन आंकड़ों को सही तरीके से जांचने में और अपनी नोटबंदी को कितना सफल बताती है, सरकार के ऊपर है। जयदीप जी, उस समय एक और उद्देश्य बताया गया था, कैशलेस।
तो इस दिशा में कितनी सफलता मिली है? ये एक और बड़ा पहलू है कि पहले बात हुई काले धन की, भ्रष्टाचार की और आतंकवाद पे वार की, फिर जब ये बात सामने आई कि काला धन तो पूरा खत्म नहीं हो रहा है, लोग पैसा बदलवा ले रहे हैं, तब बात आई थी कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। ये दूसरे जो लगातार सरकार के निर्णय बदलते रहे हैं नोटबंदी को लेकर, उसमें ये डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी की बात हुई, इसमें मैं कहूंगा कि बहुत हद तक सफलता मिली होगी, क्योंकि बात बहुत समय से हो रही थी कि कैशलेस होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे थे। फिर जब लोगों को मजबूर कर दिया गया तो जिनके पास क्रेडिट कार्ड कभी नहीं थे उन्होंने भी क्रेडिट कार्ड बनवाए, जिनके पेटीएम अकाउंट कभी नहीं थे उन्होंने पेटीएम के अकाउंट बनवाए। तो डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में काम हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे देश में एटीएम की संख्या पर्याप्त नहीं है, अभी भी प्रति व्यक्ति जितने एटीएम होना चाहिए प्रति शहर की आबादी को लेकर उतने एटीएम नहीं है, गांवों में तो हालत और बुरी है, तो एटीएम ठीक से नहीं है। कैशलेस इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि आज भी अगर जीएसटी का भी रिटर्न लोगों को भरना है तो सर्वर जाम हो जाते हैं और उन सर्वरों पर इतनी कतार लगती है कि उसको संभाल नहीं पाते। तो क्या हमारी जो आधारभूत संरचना है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस पूरी कैशलेस इकोनॉमी को झेलने के लिए तैयार है कि नहीं है, इसकी भी पड़ताल ठीक तरीके से होनी चाहिए। एक बात और सामने आई है कि जो निचले तबके का व्यवसायी है, सब्जी वाला है या दूसरे और इसी तरह के लोग हैं, उनका कहना है कि 2000 का नोट आने के बाद तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वेब दुनिया ने भी जमीनी स्तर पर इसकी पड़ताल करने की कोशिश की है और वेब दुनिया के तमाम दर्शकों श्रोताओं को वो वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें हमने नोटबंदी के एक साल को लेकर जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की है। और हमने जो खासतौर पर रेड़ी वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले इस स्तर के लोगों से बात की है तो उनका तो ये मानना है कि उनको नोटबंदी से फायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान अव्वल जरूर हुआ है। उनका कहना है कि 1000 का नोट बंद करके आपने 2000 का चला दिया, 2000 का नोट लेकर जो व्यक्ति आता है उसको अगर हम खुले पैसे देते हैं तो हमारा दिन भर काम चलाना मुश्किल हो जाता है। 2000 का नोट अचानक से काले धन को बदलने के लिए भी बहुत आसान रहा, उतना पैसा लेकर घूमने के लिए अब आपको कम जगह की जरूरत होती, बहुत सारा पैसा एक साथ लेकर आदमी घूम सकता है। और जो निचले तबके का व्यक्ति है, पहले वो ये मानकर खुश था कि भाई कुछ नहीं, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, हमें अपना ही पैसा बैंक से निकालने में बड़ी समस्या आ रही है, हमें दो दो तीन तीन दिन कतार में लगना पड़ रहा है अपना ही पैसा लेने के लिए। लेकिन जो काले धन वाले लोग हैं, जो तथाकथित बड़े लोग हैं, जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं, उनको जरूर बहुत दिक्कत हो गई और उनके काले धन की किसी भी तरीके से सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब वो उस काले धन पर ऐश नहीं कर पाएंगे, ये मानना था इस निचले तबके का और इसलिए खुश था। ये तबका मानता था कि हमारी परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन जो काले धन वाले लोग हैं उनको तक। अब जाकर एक साल बाद जब उनके हम साक्षात्कार सुने वेब दुनिया के माध्यम से, तो वो ये मानते हैं कि काले धन का तो साफ कुछ हुआ नहीं, जिनको बदलवाना था उनने तो बदलवा लिया और नुकसान सारा हमें हुआ। अगर ये भावना है निचले तबके के लोगों में तो निश्चित ही सरकार के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। सरकार कितने ही दावे करे कि नोटबंदी बहुत सफल रही, जब तक वो लोगों को ये समझा पाने में कामयाब नहीं होगी कि वो कैसे सफल रही और क्यों सफल रही, तब तक मुझे लगता है कि वो इस तरह के नगाड़े बजाते रहेंगे, उसका हासिल कुछ नहीं होगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो जरूर अब ये मान रहा है, क्योंकि उसको तो तनख्वाह वैसे ही मिल रही थी, उसका इनकम टैक्स वैसे ही कट रहा था, उसको शुरुआत में अपना पैसा निकालने में दिक्कत हुई, उसको वो भुला चुका है। नौकरी पेशा वर्ग के जो साक्षात्कार हम अगर देखेंगे तो उसमें ये आएगा कि भाई उसको फिलहाल कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास उतना काला धन था ही नहीं जिसको लेकर वो चिंता करे। तो जो व्यापारी वर्ग है वो तो नाराज था ही, अगर निचला तबका भी नाराज है तो मुझे लगता है सरकार ने एक बड़े तबके से नाराजगी मोल ले ली है। जयदीप जी, क्या लगता है कि इसका आगामी चुनाव पर कुछ असर होगा? देखिए, नोटबंदी तो घोषणा के बाद से ही चुनावी मुद्दा रहा है और माना यह भी जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में नोटबंदी का असली परिणाम सामने आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो जोरदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई और कुछ निकाय उसमें यह माना गया कि भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी पर यह मोहर है, लेकिन शायद तब तक इसके सभी परिणाम सामने नहीं आए थे, लोगों का मानस वैसा नहीं बना था। मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव में तो नोटबंदी और जीएसटी ये दो बड़े मुद्दे होने वाले हैं, दोनों ही ऐसे आर्थिक सुधार जो दूरगामी हैं, बड़े हैं, चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन उनको लागू करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, उनको लागू करने के लिए जो दूरंदेशी चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, उस दृष्टि के साथ वो काम हुआ है कि नहीं, इसकी असली परीक्षा होगी। और ये चुनावी मुद्दे तो निश्चित तौर पर हैं। आप देखिए, राहुल गांधी गुजरात के तमाम प्रचार में नोटबंदी और जीएसटी को लेकर खूब तगड़े प्रहार कर रहे हैं। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नोटबंदी के एक साल पर। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।